सुबह के 11:15 बजे हुए हैं। अब टाइम देख सकते हैं एग्जैक्ट 11:15 का है और 11:15 बजे यहाँ पे ऐसा नज़ारा रहता है। आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। आपको करना क्या है, गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का जो पड़ेगा उससे एग्जिट करके और गेट नंबर 3 से यहाँ से एंट्री करनी है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे। अब देखिए ये वाला वो जूस कॉर्नर है जिसकी बात मैं हमेशा करती हूँ कि आपको इस जूस कॉर्नर से स्ट्रेट जाना है या आपको इस जूस कॉर्नर से राइट टर्न लेना है। जूस कॉर्नर के सामने ही ये 150-150 की विंटर की सेल लगी हुई थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे विंटर के टॉप कार्डिंग्स वगैरह थी। बीच बीच में आपको स्टॉल और शर्ग देखने को भी मिलेंगी, काफी अच्छे टॉप थे। ये वाला देखिए, अगर मैं इसके शॉप नंबर की बात करूँ तो इसके सामने ही कॉटन कुर्ती का शोरूम पड़ता है, 101 इसके अपोजिट में शॉप पड़ेगी और पीछे ही जूस कॉर्नर पड़ेगा। गेट नंबर 3 से एंटर करते ही ये वाली स्टॉल मिल जाएगी। पहले इस वाले स्टॉल की जगह पे आपको कॉटन की कुर्तियाँ मिलती थी, ये वही जगह है जहाँ पे मैं पहले आपको कॉटन की कुर्तियों के प्लाजो सेट दिखाती थी। अब देखिए इस वाली रिंग में कितने अच्छे अच्छे टॉप लगे हुए हैं विंटर के। अर्ली मॉर्निंग 10-11 बजे आने का यही फायदा रहता है, आपको बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा। आप देख ही पा रहे हैं रोड पर बिल्कुल रश नहीं है और हम आपको जो सेल्स लगी है वो काफी अच्छे से दिखा पाते हैं। ये जो आप 250 की सेल देख रहे हैं ना, ये शॉप नंबर 177 के सामने लगी हुई थी। ये वाली जो ब्लैक वाली पीछे जैकेट गई कितनी अच्छी थी और ये डिजाइन यूनिक भी था। ये वाले डिजाइन तो मैंने आपको पहले भी कवर करके दिखाए हैं, सबका प्राइस 250 रहेगा। इस वाली रिंग में काफी सुंदर सुंदर जैकेट्स लगी हुई थी, डेनिम की भी जैकेट थी और जो नॉर्मली ये कलरफुल जैकेट्स रहती है ये तो थी, प्लस इसमें कॉटन की कुर्तियां ट्यूनिक्स वगैरह भी थी, तो ओवरऑल इसमें मिक्स स्टफ लगा हुआ था। ये वाली शर्ट देखिए, चेक की है, बहुत अच्छी लगेगी ब्लैक जीन्स के साथ, तो ये काफी अच्छी ग्रेस देने वाली है। प्लस ये वाली कॉटन की कुर्तियां जीन्स के साथ काफी सही लगती है, इनकी भी अच्छी खासी वेराइटी थी। देखिए आप डिजाइन कितने सारे है ना। अगर सेम चीज हम ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी लेते हैं, आउट ऑफ द सरोजनी नगर आपको काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं और इधर सिर्फ 200-250 में। 200 की अगर मैं सेल की बात करूं तो इस तरीके की सेल्स आपको काफी जगह देखने को मिलेंगी। ये वाली जो फुटवेयर्स की सेल थी जिसमें विंटर फुटवेयर्स थे और नॉर्मल जो स्लाइडर्स लगे हुए थे, ये शॉप नंबर 78 के सामने थे। अब आप सोचेंगे 78 शॉप को हम कैसे ढूंढे, तो जो ICICI बैंक का ATM है उस गली को अगर आप कवर करके आओगे ना तो वहीं पे आपको 78 शॉप नंबर पड़ेगी, तो ये बहुत इजी आपको ढूंढने में भी पड़ जाएगा। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। आप कुछ डिजाइन देख लेते हैं इस वाली रिंग के। इससे ही आगे 200-200 रुपए की ब्रांडेड जीन्स मिल रही थी और ब्रांड भी कौन सा, गैप का। अगर गैप के आप जीन्स शोरूम से लेते हैं, देखिए टैग भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर गैप की जीन्स आप शोरूम से लेते हैं तो 7,000-8,000 गैप की जीन्स का प्राइस रहता है, क्योंकि ये बाहर का ब्रांड है और काफी एक्सपेंसिव और लग्जरी ब्रांड है, तो इनकी जो फैब्रिक रहता है वो एक्सपेंसिव ही रहता है। और इस वाली सेल में आपको गैप की जीन्स 200 रुपए की पड़ रही है और मैंने सारे टैग चेक करे थे, ये ओरिजिनल गैप की जीन्स थी। ये बाहर एक्सपोर्ट का माल रहता है तो यहाँ पे आपको ब्रांडेड चीजें काफी मिलेंगी देखने को। इसी आगे स्टाइल फॉर यू नाम की शॉप थी, उसके बिल्कुल ही सामने जब आप देखोगे ना तो ये विंटर की सेल लगी हुई थी, काफी अच्छे अच्छे इसमें श्रग वगैरह थी। श्रग देखिए कितनी काफी सही लग रही है ना। ये वाला टॉप भी काफी अच्छा लग रहा था, इसमें भी मिक्स स्टफ था और ये 80 रुपीज की सेल थी। देखिए ये वाली स्वेटर्स भी, जो डीप नेक वाली स्वेटर्स रहती है ना वो काफी ज्यादा आपको इधर देखने को मिलेंगी। उनके लिए मैंने आपको सैंडोज वगैरह भी दिखाई हुई है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आई बेल जो बटन रहता है वहां पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये वाली जो आप ट्राउजर्स देख रहे हैं 100-100 रुपए की है और काफी अच्छी वेराइटी थी इसमें, नॉर्मल जो बॉटम्स रहती है वो भी थी और जो कलरफुल रहती है वो भी थी, कलर ऑप्शंस आपको सही मिलेंगे। इसके बाद ही एक और रिंग थी जिसमें आप विंटर का ही स्टफ लगा हुआ था, काफी अच्छा स्टफ था और इसमें जो विंटर का स्टफ था वो 100-100 रुपए का था। अगर मैं शॉप की बात करूं तो शॉप नंबर 171 पड़ेगी जिसके सामने ये वाली रिंग लगी हुई थी। इस वाली रिंग में भी बीच बीच में कुछ ब्रांडेड स्टफ था और काफी अच्छा अच्छा था। गैप का जो मैंने आपको ब्रांड का स्टफ बताया वो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। इससे आगे ही 150 के क्रॉप टॉप लगे हुए थे, आप देख ही सकते कलर बहुत सारे हैं।
काफी अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, लाइट से लेके डार्क तक सारी वेराइटियां हैं। शॉप नंबर 175 के सामने ये वाली नोजपिन की सेल लगी हुई थी, 50-50 रुपीज की यहाँ पे नोजपिन थी, और जो एंकलेट रहती है वो भी इनके पास थी, और जो आजकल ये एविल्स वाली ब्रेसलेट चले हुए है ना, इनके भी काफी ज्यादा डिजाइन थे, और चेन्स वगैरह भी थी सेम पैटर्न में। देखिए कितने सुंदर सुंदर। प्राइस इनका, जो ये वाली एंकलेट्स आप देख रहे हैं ये 200 की थी, और जो नीचे वाली आपको सामने दिखाई दे रही है ना वो 150 की रेंज में है। इयररिंग भी थे इनके पास 30-30 की रेंज में। देखिए नोजपिन की कितनी ज्यादा वेराइटियां हैं, काफी अच्छी नोजपिन थी। डायमंड स्पॉट्स के नीचे 171 शॉप नंबर पड़ेगी, उसके बिल्कुल नीचे ही ये वाली रिंग लगी हुई थी जिसमें 80-80 रुपीज का विंटर का स्टफ था। सेम चीज थी इसमें भी, काफी अच्छा स्टफ था। जो टॉप्स की वेराइटियां थी वो काफी अच्छी थी, डिजाइन पैटर्न्स भी काफी अच्छे थे। अगर आप ऑनलाइन कंपेयर करते प्राइस को, स्टफ को और डिजाइन्स को, तो सरोजिनी नगर ही उसमें विनर होने वाला है। जो डिजाइन्स का प्राइस रहता है ना वो भी काफी सस्ता रहता है यहाँ पे। अब मैं इयररिंग्स की बात करती हूँ। सरोजिनी नगर में आपको इयररिंग्स की इतनी ज्यादा वेराइटियां मिलेंगी, चाहे आपको पार्टी वेयर चाहिए, चाहे डेली वेयर के लिए चाहिए, चाहे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी चाहिए, आपको इतनी ज्यादा वेराइटियां मिलेंगी ना, बहुत ज्यादा, कि आपका मन खुश हो जाएगा। इन इयररिंग्स को देख के तो मेरा भी दिल खुश हो गया था। अगर मेरे घर में भी कोई शादी होती तो मैं जरूर खरीदती। शादियों का सीजन है, अगर किसी को इयररिंग्स वगैरह भी चाहिए है ना तो आप ले सकते। ये वाले डिजाइन आपको ऑनलाइन काफी जगह मिलेंगे, इंस्टाग्राम पेजेस है जहाँ पे ये सेल होते हैं, और यहाँ पे 100 रुपीज इनका प्राइस रहता है। बाकी का जो प्राइस रेंज थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। अब 100-100 रुपए की ये वाली जो सेल थी ना, ये सेम रो में जब थोड़ा सा आगे जाते 175 शॉप को क्रॉस करके वहां पे थी। यहाँ पे ब्लेजर्स वगैरह लगे, और इस वाली रिंग के बिल्कुल साइड में ही मंदिर पड़ता है, आई थिंक वो हनुमान जी का है, मंदिर के साइड में ही ये वाली रिंग लगी हुई थी। काफी अच्छे ब्लेजर्स थे। ये वाले कोट वैसे तो थोड़े से हैवी रहते हैं, पर जब जैन की जो हमारे इधर ठंड पड़ती है ना उसके लिए काफी अच्छे रहते हैं। अगर कोई हिल स्टेशन जा रहा है तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, या फिर हिल स्टेशन से या फिर हिमाचल वगैरह से कोई यहाँ पे आया हुआ है दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए, तो उनके लिए ये तो बेस्ट फैब्रिक रहने वाला है, क्योंकि ये जो हमारी कड़ाके वाली ठंड रहती है ना उसमें सही काम देते हैं। अब मेरे कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि बच्चों के कपड़े दिखाएं, तो जो ये वाली सेल है ना, नॉर्मली तो इस जगह पे हमेशा बड़ों की सेल लगती है, पर इस बार यहाँ पे छोटे बच्चों की सेल लगी हुई थी, जहाँ पे ICICI बैंक का ATM पड़ता है, उससे ही जब आप 5-6 शॉप छोड़ के आएंगे ना तब ये वाली शॉप पड़ेगी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी इस ढेरी में स्वेटर्स थी सारी, बट छोटे बच्चों की थी, कहीं कहीं बड़ों की थी, और ये 150 की सेल लगी हुई थी। कुछ कुछ फ्रॉक तो छोटे बच्चों के इसमें इतने सुंदर सुंदर थे ना, काफी सुंदर थे। और सामने वाली आपको जो दिख रही है ना वो 350 की सेल है, और ये वाली ढेरी 150 की है। बड़े बच्चों का आपको मिल जाएगा इसमें, 10-15 साल के अगर बच्चे हैं उनके भी काफी अच्छे अच्छे टॉप थे। ये वाला देखिए, ये कार्डिंग है, ये भी काफी सही लग रही थी। प्राइस सबका 150 रहने वाला है। डिजाइन आपको बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे इसमें। देखिए ये वही जगह है जो मैंने आपको अभी छोटे बच्चों की दिखाई थी, यहीं पे 150 की सेल लगी हुई थी। ये वाली वो सेल थी जिसका फैब्रिक मैंने आपको अभी पीछे उठा उठा के दिखाया था। कुछ और डिजाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारा का सारा बच्चों का ही है। देखिए अगर आप बच्चों के लिए ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं या शॉप से ऑफलाइन भी करते हैं ना, तो आपको 150 में इतना अच्छा फैब्रिक नहीं मिलने वाला है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे फैब्रिक काफी अच्छा और प्राइस रेंज काफी बढ़िया रहती है, तो प्लीज एक बार आके जरूर देखें। इससे ही जब आगे की तरफ जाएंगे, ये वाले जो वेलवेट के टॉप रहते हैं ना, ये काफी अच्छे रहते हैं सर्दियों में और बिल्कुल ठंड नहीं लगती। अगर आपने ऊपर भी जैकेट नहीं पहनी है ना तो इनफ है, ये वाले जो टॉप्स है ना काफी सही रहते हैं। प्राइस रेंज इनकी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। मोस्ट ऑफ द रिंग में 100 की ही आपको मिलेगी या फिर 150 की मिलेगी। ये वाली जो रिंग थी ये 150 की थी। कलर्स आप देख लीजिए कितने सारे हैं, विद कैप, विदाउट कैप, आपको जिस तरीके का भी टॉप चाहिए आपको हर तरीके का टॉप मिलेगा। ये वाला देखिए कलर कितना अच्छा लगा, धूप की रिफ्लेक्शन आ रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कलर, पर बहुत अच्छा था। शॉप नंबर 75 के सामने 150 के शॉल की रिंग लगी हुई थी, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वुलन के शॉल्स थे,
और मफलर्स वगैरह भी लगे हुए थे बीच बीच में, पर शॉल्स जो थे ना वो काफी बढ़िया थे और जो फैब्रिक था वो काफी सॉफ्ट था, तो जो घर में बड़े हैं ना उनको ये काफी पसंद आने वाले हैं। और आप सरोजनी नगर में आए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ अपने अपने लिए शॉपिंग ना करें, जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो सबको एक उम्मीद रहती है कि उनके लिए कोई कुछ लाएगा। ये वाली जैकेट्स देखिए, 150-150 की जैकेट्स थी, काफ़ी अच्छी थी। ऑरेंज वाली तो बहुत बढ़िया लग रही थी और लाइव में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये शॉप नंबर 167 के सामने पड़ेगी। ये मैंने सारी सेम रो कवर करी है, आपको शॉप ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये वाली जो जैकेट रहती है ना ये काफ़ी लाइट वेट रहती है और गर्म भी बहुत रहती है। प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइस भी इन जैकेट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल था। नॉर्मली अगर आप ये कहीं से भी लेते हैं काफ़ी महंगी मिलती हैं। अब आप ये वाली विंटर की सेल देखिए, काफ़ी अच्छी अच्छी थी। शॉप नंबर 78 के सामने थी ये वाली रिंग। इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स लगे हुए थे विंटर के, और जो नॉर्मल स्टफ के टॉप रहते हैं ना वैसा इनका स्टफ था। और जो शॉप का जो प्राइस था वो भी काफ़ी सही था। 100-80 रुपये में आजकल क्या आता, कुछ नहीं आता। और सरोजनी नगर में आप 100-80 रुपये में इतना अच्छा टॉप ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आपको टॉप वगैरह भी लेने हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली जो सॉलिड कलर्स रहते हैं, लाइक जो प्लेन कलर्स रहते हैं, उसकी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ देखने को मिल जाएंगी, और वो भी सिर्फ 100-100 रुपये में। एक और मैं आपको ये 100 रुपये की सेल जो दिखा रही हूँ ना, ये भी सेम शॉप के सामने थी। ये शॉप नंबर 78 था, जहाँ पे ये फर वाले टॉप और वेलवेट फैब्रिक के टॉप लगे हुए थे। काफ़ी अच्छे टॉप थे। कलर्स अगर आप नोट करोगे ना, आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। किसी को अगर अपना कोई भी फेवरेट कलर चाहिए हो ना, आप इस रिंग में जाके ले सकते हैं। प्लेन सॉलिड कलर रहता है, तो किसी भी टाइप की जीन्स के साथ आप इनको कैरी कर सकते हैं। ट्राउजर्स वगैरह के साथ भी ये काफ़ी सही लगते हैं। और इसमें जो नॉर्मल प्रिंटेड क्रॉप टॉप रहते हैं उनकी भी काफ़ी सही वेराइटियाँ थी। इस वाली जो रो में अगर आप टॉप्स वगैरह देखोगे ना, इस तरीके के विंटर के आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स मिल जाएंगे। स्पेशली जब आप 167 शॉप की तरफ जाते हैं ना, उस रो में तो आपको इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ देखने को मिलेंगी कि आपका मन खुश हो जाएगा कि 100-200 रुपये में आपने कितनी अच्छी शॉपिंग कर ली है। अब मैं आपको एक 200 रुपये की बहुत सुंदर बैली दिखाऊंगी। ये सामने जो आप बैली देख रहे हैं ना, ये रबड़ में है, तो अगर बारिश के सीजन में भी आप पहनते हैं तो ये काफी सही रहती है। हल्की सी इनके नीचे हील रहती है, मैं आपको हील भी दिखाऊंगी। पहले आप कलर्स देख लीजिए, कलर्स देखिए कितने सारे हैं, व्हाइट, ब्लू, पीच कलर, काफी ज्यादा कलर रहेंगे। हील देख लीजिए, आपने हील भी देख ली होगी, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहती है। सॉक्स पहन के आप इनको इजिली पहन सकते हैं। अब ये साइड में जो आप शूज देख रहे हैं, ये रनिंग शूज है। सेम यही शूज मैंने आपको बिग सी की तरफ दिखाए थे, तो अगर कोई बिग सी की तरफ गया है तो सेम प्राइस में 200 रुपये इनका प्राइस रहेगा। सेम प्राइस में आप उधर से भी ले सकते हैं, और कोई इस तरफ आया है तो आप इधर से भी ले सकते हैं। जगह जगह आपको ये वाली शूज मिल ही जाएंगे। साइड में छोटे बच्चों के शूज थे, सेम प्राइस था 200 रुपये, शॉप नंबर 179 के सामने थी। अब आगे की तरफ जब जाते हैं तो आपको एक और रिंग मिलेगी देखने को, विंटर के टॉप मिलेंगे। और ये वाले जो टॉप थे ना काफी अच्छे थे, पॉलका डॉट वाले जो टॉप थे ना वो भी बढ़िया लग रहे थे। ये वाली कार्डिंग देखिए चेक में है, कितनी अच्छी है ना। जब आप शोरूम वगैरह पे जाते हैं ना, उधर ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नॉर्मल जो लोकल सिटीज की मार्केट रहते हैं वहां पे ऐसे डिजाइन आपको कभी नहीं मिलेंगे देखने को। पर अब तो क्या होने लग गया ना, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास की सिटीज है ना, वहां पे भी दिल्ली के से माल उठाते हैं वो लोग सरोजनी से, और अपने अपने सिटीज में वैसी वैसी रिंग लगाते हैं। उनका प्राइस क्या रहता है, यहाँ पे जैसे आपको 100 रुपये में मिल रही है, तो वहां पे आपको 200 रुपये 150 रुपये में ऐसे मिल जाएंगी। तो अगर हमारी सिटी में तो स्पेशली ऐसी रिंग लगती है। ये वाला पिंक वाले टॉप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सॉलिड कलर की आपको काफी सही वेराइटियां मिल जाएंगी 100-100 रुपये में। बढ़िया टॉप आप इधर से ले सकते हैं, बस आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। और आपको इन वाली रिंग में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, तो आपको सही फैब्रिक पिक करना आना चाहिए। बाकी आप साइज वगैरह जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि स्टफ दिखने में लगता है कि बड़ा है, आपको फिट आ जाएगा, पर होता ऐसा नहीं है। तो साइज जरा देख के ले। ये वाला बेबी पिंक का काफी अच्छा लग रहा था, सब 100-100 रुपये में था। स्पेशली आप जब सरोजनी नगर में आएंगे ना, तो 100-100 रुपये की आपको इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेंगी ना,
कि आप 1,000 रुपए में समझो कि आप 10 टॉप ले सकते, 10 क्या 12 टॉप ले सकते हैं। सोनी सेंटर के शोरूम की साइड में ही 200-200 रुपए की ब्लेजर की सेल लगी हुई थी। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लेजर और जो हमारे लॉन्ग कोट रहते हैं वो लगे हुए थे। अगर कोई जैन में स्नोफॉल होने वाला है, सबको पता है, अगर कोई उधर जाने का प्लान कर रहा है तो इस तरीके के ब्लेजर्स और लॉन्ग कोट जो रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि उधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ से आप 200-200 रुपये में काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरीके के जो ब्लेजर्स रहते हैं ना, उसमें लड़कियों के फ़ोटो भी काफ़ी अच्छे आते हैं, और स्पेशली अगर आप स्नोफॉल देखने गए हैं तो इस तरीके के ब्लेजर साथ में ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ये आपको ठंड से भी बचाएंगे और आपकी फोटोज़ भी इसमें काफ़ी अच्छी आएंगी। आप देखिए डिज़ाइंस कितने सारे हैं ना, सेम रिंग में आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जब भी आप ये ब्लेज़र लेना प्लीज़ ट्राई करके लें, क्योंकि बाहर की तरफ से तो दिखते हैं कि आपको फिट हो जाएंगे, पर अंदर की तरफ से इनमें इतनी ज़्यादा फिटिंग रहती है ना, तो शोल्डर्स की तरफ से प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ ट्राई करके लें, विदाउट ट्राई करके ना लें, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। देखिए डिज़ाइन कितने ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इसमें, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बढ़िया थे। अगर किसी को लाइट कलर पसंद है तो आपको क्रीम, ऑफ वाइट, पीच में काफ़ी वैरायटियाँ मिल जाएंगी। अगर डार्क कलर पसंद है तो ब्लू, रेड, ग्रे, काफ़ी अच्छे शेड्स रहते हैं इसमें। ये ग्रे शेड में देखिए कितना अच्छा ग्रे और ब्लैक शेड में था। इससे ही आगे एक और सेल थी जिसमें ये वाली जो हल्की वाली जैकेट्स रहती है ना वो थी। आपको इस तरीके की हल्के वाली जैकेट भी काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। ये 250 की रेंज में थी, कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। इन वाली जैकेट में आपको रेड और येलो तो बहुत जगह देखने को मिलेगा। देखिए इस वाली में रेड वाला कितना अच्छा लग रहा था। ऐसी ऐसी जैकेट ना आपको सुपर ड्राई में देखने को मिलेंगी। सुपर ड्राई की जो जैकेट्स रहती है ना, उनके जो प्राइस रेंज रहते वो 15,000, 17,000, 10,000 ऐसे रहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 250 में ले सकते हैं आप। एक और मैं आपको 250 की रिंग दिखाऊंगी। ये वही वाली रिंग है जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, अब मैं उसका फ्रंट साइड आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट साइड में इस तरीके की जैकेट्स लगी हुई थी। शॉप नंबर 171 पड़ेगा, जहाँ पे जिसके सामने ये वाली आपको रिंग इजिली मिल जाएगी। देखिए कितनी सही रिंग, इस रिंग में कितनी सही जैकेट लगी है, और सिर्फ 250 रुपये में। 250 इनकी प्राइस रेंज है। ऐसी ऐसी जैकेट वैसे आपको सरोजनी नगर में बहुत जगह मिलेंगी और प्राइस रेंज भी सेम रहता है। कई कई जगह पे आपको 500 रुपये में भी ये मिल जाएंगी, पर उनका जो डिज़ाइन और फैब्रिक रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, पर बाहर रिंग पे ये आपको 250 रुपये में ही मिलेंगी।